तो जय हिंद दोस्तों। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार फुल वीडियो बना रहा है एक्चुअली, और उसका रीज़न ये है फुल वीडियो बनाने का। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से, ठीक है, काफ़ी टाइम से फिर से एक बार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि डैडी भाई, रोहित भाई, आपके 3 मिलियन हो गए पर आपने अभी तक फेस रिवील क्यों नहीं किया है। तो आज मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। मैं रैंक एक्चुअली क्यों पुश नहीं कर रहा हूँ, CS भी क्यों नहीं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, BRB अभी सीज़न आया हो वो भी क्यों नहीं पुश किया हूँ, इतना ही क्यों कम खेल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और मेरा फेस रिवील कब होने वाला है, उसका डेट क्या होने वाला हो, और मैं करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, इस सभी का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना गाइस सब लोग। और हाँ गाइस, तो सबसे पहली बात तो मैंने रैंक पुश क्यों नहीं किया इस सीज़न, तो मैंने 162 गेम ही क्यों खेले हैं, ठीक है। सभी का एक क्वेश्चन है, काफ़ी कमेंट्स में मुझे बात बहुत बार आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे फेस रिवील के ऊपर है एक्चुअली। वो काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत टाइम से मुझे आ रहे हैं। जैसे 3 मिलियन हुआ मैंने उसके बाद एक वीडियो डाला, तो उसके बाद से मुझे काफ़ी फिर से कमेंट्स आने लगे कि डैडी कॉलिंग फेस रिवील, रोहित भाई फेस रिवील, ठीक है। तो गाइज मैं आपको आज सब चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। और गाइज फिर से एक बार आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने डैडी आर्मी के यानी डैडी कॉलिंग के डैडी फैमिली की 500K इंस्टाग्राम पर फैमिली कम्प्लीट की आज, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सभी का। आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हो और आपका मुझे ऐसे सपोर्ट चाहिए। तो मैं पहली बात तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने BR रैंक पुश क्यों नहीं किया है। तो गाइज मैंने एक्चुअली है ना मेरा घर शिफ्ट किया है, ठीक है, इसलिए मैंने गेम खेला नहीं है, मतलब पिछले 1-1.5-2 महीने से इनएक्टिव हूँ, ठीक है। फुल वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, ना ज़्यादा शॉर्ट्स डाल रहा हूँ चैनल पे, तो यही रीज़न है कि मैं इनएक्टिव हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं रूम वगैरह, मतलब पूरा घर चेंज किया एक्चुअली, तो थोड़ा सा पूरा सेटअप वगैरह के लिए बहुत सारा टाइम लगा, और मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार भी था 3 तारीख को पिछले मंथ, तो मैं उसके बाद खेला भी नहीं, और थोड़ा इशूज चल रहे फैमिली में, तो इसलिए मैं एक्चुअली खेला नहीं। बट अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, बट इस सीज़न में BR पुश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खेलूंगा तभी भी, थोड़ा थोड़ा खेलूंगा, आपको माउंट जो वगैरह के वीडियोस मैं डालूंगा BR के, CS के, कस्टम के, जो भी होगा मैं उसके जो भी अच्छे अच्छे क्लिप्स होंगे वो मैं माउंटेज में डालूंगा। हाँ, वॉइस के साथ नहीं डाल सकता गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है एक्चुअली वॉइस में बात करने की, मतलब आवाज़ में वीडियो वगैरह बनाने की, तो मैं क्या करता हूँ माइक वगैरह बंद करके मैं अपना गेम प्ले वगैरह रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ। और फिर से सेकेंड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, CS क्यों नहीं पुश किया, ठीक है। तो एक्चुअली पिछले मंथ मैंने एक्चुअली CS पुश किया था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कुछ 10 गेम विन भी किए थे एक्चुअली, ठीक है, लगातार 10 गेम विन किया। देन उसके बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा जादूगर गेम के अंदर बढ़ चुके हैं, तो गाइज हम पढ़ते हैं फ़ोन प्लेयर, ठीक है ना, मतलब मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फ़ोन में खेलना, वीडियोज डालना वगैरह होता है तो मैं किसी पे ये करता हूँ, और मुझे पुश वगैरह करना तो मैं फ़ोन में ही खेलता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो गाइज ये सीन होता है सामने बहुत सारा PC के अलग अलग कुछ वो सब चीज़ें, समझ रहे हो ना आप लोग, ऊपर के आते हैं, मैं नहीं बताना चाहता एक्चुअली, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये लोग क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे यूज़ करके खेलते तो गाइज मन नहीं होता खेलने का, क्योंकि हम लोग इधर से फेयर खेले, आगे वाला अनफेयर खेले तो मन नहीं होता है। और लिटरली बोलता हूँ मैं, पूरे के पूरे गेम में जादूगर आते हैं, मैं अभी भी CS स्टार्ट करूँगा ना तभी जादूगर आएंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने CS भी पुश नहीं किया है। और गाइज सबसे मेन बात जिस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो ये बनाया है, ठीक है, आप लोग बोले कि क्या यार खाली वॉइस में आके वीडियो बना रहा है, फेस रिवील तो नहीं कर रहा है, और मैं बाकी यूट्यूबर की तरफ फेस रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा बाकी उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, सुंदर किया है, ठीक है ना। मुझे मेरे नाम के, मतलब मेरा जो नाम है जो मैं रियल लाइफ में भी दिखता हूँ, मुझे उस हिसाब से करना है, क्योंकि मैं गेमिंग दुनिया से बहुत अलग लड़का होगा इसमें आप लोगों को बताता हूँ, मुझे गेमिंग जितना पसंद है मुझे बाहर की दुनिया उतनी पसंद है, और मैं बाहर की दुनिया में बहुत अलग लड़का हूँ, तो मुझे उस हिसाब से फेस रिवील करना है एक्चुअली। बट अभी बीच में 1-1.5 महीना पूरा बिजी था, ठीक है, मैंने कुछ शूट वगैरह किया नहीं है, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह पूरी रेडी है एक्चुअली, ठीक है ना। बट एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको मेन रीज़न बता देता हूँ, थोड़ा मेरा हेयर की ग्रोथ जो है ना वो एक्चुअली ग्रोथ, मतलब थोड़ा बाल है ना मेरे एक्चुअली डैमेज हो चुके हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े बाल बढ़ा रहा हूँ, और ठीक है एक्चुअली मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, जो मेरे पुराने फ़ोटोज़ देख रहे होगे आप लोग देख लेना, ठीक है, एकदम पुराने जो भी फ़ोटोज़ होते मेरे बैक साइड के। और आप लोगों को बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जो मैंने क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे DP लगाए वो मैं हूँ,
तो गाइज आते समय आपको वीडियो में पता चलेगा वो मैं था या कोई और था या कोई और ही है या भाई है, बंधु है, मित्र है, दोस्त है, कौन है, ये सब आप लोगों को जल्दी आते समय पता चलेगा। तो इसी वजह से मैंने गाइज फेस रिवील जल्दी किया नहीं। 3 मिलियन एक्चुअली हो गए, मुझे पता है आप लोग मेरे 4 मिलियन भी 1-2 महीने के अंदर कर दोगे, 5 मिलियन भी इसी 6 महीनों के अंदर कर दोगे, ठीक है। तो गाइज देखो, आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हो एक्चुअली, ठीक है। पिछले 2-3 साल से हमने यूट्यूब चैनल खोला है, उससे पहले से आप लोग मुझे जानते हो एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ एक्चुअली आप लोग थोड़ा टाइम लो, ठीक है। इतने कमेंट्स एक्चुअली कर रहे हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है मेरा फेस देखने के लिए, ठीक है ना। और मुझे भी गाइज उतना ही इंटरेस्ट है आपको फेस दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरा जिस हिसाब से लुक है गाइज, ठीक है, जो मेरा लुक है, ठीक है, मेरा ये फ्री फायर कम्युनिटी से मतलब बहुत अलग लुक है, इसमें होगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। किसी का लुक वैसे मेरा लुक है, आप समझ लो मेरे हेयर काफ़ी बड़े हैं एक्चुअली, मेरे बियर्ड्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, मैंने वो लुक किया है वैसे। यही सब चीज़ें हैं कि मैं फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही है गाइस कि एक्चुअली हेयर डैमेज और थोड़ा बीच में थोड़ा सा बिजी था एक्चुअली, ठीक है, और कुछ इश्यूज़ है, वो इशू जल्दी क्लियर हो जाएगा। और देन उसके बाद मैं एक्चुअली शूट करूँगा, स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। मैं इतना ही बताता हूँ आपको, मेरा एंट्री कैसा होगा या मतलब एक नॉर्मल सा मैं ट्रेलर बताता हूँ आपको, ठीक है। हेलीकॉप्टर से एंट्री है मेरी, ठीक है, इतना बताता हूँ। KGF की तरह सेम, ठीक है, अभी आप लोगों को देख लेना कैसा होगा, ठीक है, उतना KGF की तरह बोल रहा हूँ खाली, ठीक है ना, उतना खाली मेरी एंट्री है। और बाकी का जो स्क्रिप्ट है वो 1 मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट करूँगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट करूँगा, ठीक है, सीधा फेस रिवील कर दूँगा मैं। और ये नहीं हो पाया जल्दी क्योंकि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है गाइस, ठीक है, क्योंकि छोटा नहीं है, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब अब समझ लो कि क्या है, सीधा फिल्म मतलब जो फिल्म में ट्रेलर होता है एक्चुअली, फिल्म में जो मूवी में ट्रेलर्स देखते हो आप लोग, ठीक है ना, वैसे एक्चुअली ट्रेलर की तरह है। मतलब हॉलीवुड के जो ट्रेलर्स होते हैं अपने, और कौन से जो तेलुगु वाले मूवीज़ है मतलब अपने तमिल वगैरह साइड के जो होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे प्रॉपर फोटोग्राफर भी ढूंढना है, ठीक है, एक्चुअली वो भी नहीं मिला है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो फेस रिवील के लिए, ठीक है ना। आप यार 30 मिलियन 40 मिलियन वाले यूट्यूबर के लिए 5-5-6-6 साल वेट कर दो, तो गाइज़ आपके भाई के लिए तो वेट कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है ना। और वैसे देखो गाइज मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे काफ़ी लोग मिलने के लिए आते जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको एक्चुअली मेरे बारे में पता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे देखा भी है, मैं काफ़ी लोगों से वैसे मिलता भी हूँ, ठीक है, बट फोटो खींचना अलाउड नहीं करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो लोग फेस वगैरह डालेंगे। मैं इसे काफ़ी लोगों को मिला हूँ, ठीक है ना, 1-2 इवेंट्स में गया हो तो मिला हो, और मैं जिधर मतलब जाता वगैरह हो खाना पीने खाने के लिए, मेरा एक होटल कन्फर्म होता है उधर, ठीक है, मेरे साइड। तो एक्चुअली मैं लाइव करता था, एक दिन लाइव किया था एक्चुअली इंडिया साउथ अफ्रीका के टाइम, तो उन लोगों ने उधर नाम देखा था एक्चुअली, काफ़ी लोग उधर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ऐसा करो मत एक्चुअली, ठीक है ना, आप अपना खाना पीना खा के एंजॉय करके चले जाओ। महाराष्ट्र से स्टार्ट करूँगा, और सबसे पहले पुणे से स्टार्ट करूँगा, देन मुंबई से स्टार्ट करूँगा, जितने महाराष्ट्र में सिटीज़ है मैं सब जगह पे आऊँगा गाइज, ठीक है, तो आप सब्र कर लो। तो प्लीज़ ऐसा आया मत करो। और गाइज मैंने बोला जैसे कि फेस रिवील गाइज आ रहा है जल्दी, बस प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो आपके भाई के लिए, एकदम फाड़ू फेस रिवील करने वाला हूँ, जितने हो सके उतने सभी को शेयर कर लेना। और हाँ गाइज सबसे मेन बात है ना, आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है ना, हो सकता मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूँ फोटो, समझ रहे ना, शूट्स वगैरह का जो भी चल लेगा मैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। गाइज जो आप लोगों ने चैलेंज दी थी इस बार, तो एक्चुअली मैं 2 चैलेंज हार चुका हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, चैलेंज हार चुका हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था गाइज, रूम वगैरह चेंज करने में, घर चेंज करने में, और CS का तो आप लोगों को पता है एक्चुअली, चलो ठीक है वो भी, बट वो भी मैं चैलेंज हार चुका हूँ, ठीक है, CS का जो भी जैसे कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। और इस बार BR का क्या मैंने इतना ध्यान नहीं दिया गाइज, ठीक है ना, बट हाँ ट्राई करूँगा मैं रीजन में जल्दी से जल्दी घुसने का, अभी 1200 नंबर को जल्द से जल्दी 100 के अंदर आने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं कल से एक्चुअली फ्री हो जाऊँगा, कल से प्रॉपर गेम खेलूँगा, तो बस इतना ही है। तो मिलते गाइज जल्दी, जय भारत जय हिंद। Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me?